जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो अभी हाल ही में SSC स्टेनोग्राफर 2023 का जो प्री का रिजल्ट आया है, यूँ कहिए कि रिटर्न का नंबर आया हुआ है, उसके जो प्री के कट ऑफ हैं वो क्या हैं और जो एक्सपेक्टेड अब आगे जाके जो कट ऑफ बनेगा स्किल टेस्ट के बाद वो क्या हो सकता है। ठीक है, ये पूरा मैं आपसे कहूँगा, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि एकदम सच होगी, लेकिन काफ़ी हद तक यही मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं कंप्लीट तरीके से। मैंने यहाँ पे कुछ 5 से 6 कैटेगरीज ली हैं और इधर सी की कैटेगरी का कट ऑफ है और इधर डी का कट ऑफ है और टोटल ऐसा माना जा रहा है कि अभी 18,000 प्लस बच्चों को बुलाया गया है स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, डेट क्या है आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन 18,000 प्लस बच्चों को मतलब पास किया गया है। ठीक है, वैकेंसीज की जहां तक बात हुई है, वैकेंसी बात हुई है लगभग अभी 1400 प्लस तक का है और चर्चा करते करते मान लीजिए 1500 हो जाएगा या आगे और भी बढ़ सकता है। वैकेंसीज बढ़ती रहती हैं, एक बार जब रिजल्ट आता है जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक वैकेंसीज बढ़ती रहती हैं। SSC स्टेनोग्राफर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, SSC स्टेनो की बात कर रहा हूँ और ये 2023 का कट ऑफ है। ठीक है, 2023 के कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ये कट ऑफ अभी आपको दिखे हैं। एक्चुअल में कट ऑफ जो बनेगा आगे जाके फाइनल जब होगा पूरा, ठीक है, तो वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अगर मेरा जो एक अपना अनुमान है, लेकिन इस बात को मैं फिर आपसे कहूँगा, इस बात को सच नहीं मानना एकदम से आपको कि ऐसा है यार मेरा तो अब स्किल टेस्ट का और मेरा तो इतना नंबर है। जैसे कोई 136 नंबर पाया हुआ है और मान लीजिए डी से कंपेयर करते, 136 को छोड़िए, डी से कंपेयर किया, SC वालों का 109 था, किसी बच्चे ने 112 नंबर ला के रखा हुआ, तो उसको ऐसी उम्मीदें शुरू शुरू में रहती हैं। जैसे कोई पहली बार पेपर देने आया तो उसके मन में आता, अरे यार मेरा 112 नंबर पे हो जाएगा, मैं तो पास हो गया हूँ। तो वो सारी चीज़ें जो स्वीट पॉइजन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर फाइनल मार्क क्या होगा जाके। ठीक है, आपको पता है कि सी की कैटेगरी में, ठीक है, सी में अभी तक जो आपको दिख रहे हैं वो 90 सीट दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ के मान लीजिए 150 सीटें हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गए तो। बाकी आगे देखते हैं कितना बढ़ता है, क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि कितना बढ़ सकता है ना, लेकिन जो लिमिटेड आया था वो 90 से 100 के बीच में आया हुआ था। आपको पता है यहाँ कितने बच्चों को सेलेक्ट किया गया है? अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा लगभग 3500 प्लस बच्चों को, लगभग 3600 बच्चों को बुलाया गया है सी की कैटेगरी में, और वो डी में भी हैं। समस्या तो यही है कि वो सी में भी और डी में भी हैं। अगर उन 3500 को आप सी और डी दोनों में काउंट कर रहे हैं, बुलाया जाएगा, तो वो 3500 माइनस कर लीजिए, टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल बच्चे आप कहेंगे कि लगभग सर 14,000 बच्चे हैं, 14,000, 14,500 बच्चे हैं। ठीक है, क्योंकि वही बच्चे तो इसी में गए होंगे, है ना, जो सी लिखेगा वो जाके डी भी लिखेगा, यही तो बात होती है। खैर, मुद्दे की बात करते हैं कि इसमें अगर हमारा कट ऑफ बन के आएगा तो कितना। देखो, जो मैंने अभी तक एनालिसिस किया है, ठीक है, मेन एनालिसिस कहाँ कहाँ पे करने का ज़रूरत था, क्योंकि सी वाले तो कहीं ना कहीं सेफ हैं। ठीक है, ये जो सी वाले नंबर जिनके आए हुए हैं, ठीक है, जिनके ये सी वाले नंबर आए हुए हैं, चाहे वो SC कैटेगरी से हो, सेफ है डी कैटेगरी के लिए, चाहे वो ST कैटेगरी का हो, डी की कैटेगरी के लिए एकदम सेफ है, OBC की कैटेगरी से है, डी की कैटेगरी से एकदम सेफ है, EWS हो, UR हो, OH हो, डी की कैटेगरी से एकदम सेफ है, अगर उसके इतने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं सी वाला अगर स्किल टेस्ट लिख लेता है, ठीक है, अगर वो अपना स्किल टेस्ट बढ़िया से कर लेता है, ठीक है, अगर वो अपना स्किल टेस्ट बढ़िया से कर लेता है तो उसकी जॉब हो जाएगी। किसकी? जिसने सी वाले नंबर क्रैक किए या सी नंबर क्रॉस किया है, ठीक है, चाहे वो अपनी कट ऑफ पे हो, चाहे कट ऑफ से थोड़ा सा आगे हो। ठीक है, तो सी की कैटेगरी में अगर आपके नंबर हैं तो कंग्रेचुलेशंस आपको कि आपकी जॉब हो जाएगी डी की कैटेगरी में। बात करते हैं फाइनल मार्क क्या क्या बन सकता है इस वाले स्कोर में, सब में आप मान के चलिए, सब स्कोर में पूरे में, ठीक है, आपको क्या करना है, 15 से 20 नंबर प्लस करना है। ठीक है, सब में 15 से 20 नंबर आपको प्लस करना ही करना है कैटेगरी में, क्योंकि इससे कम की बात होगी ही नहीं। ठीक है, इससे कम की बात नहीं होगी। कई जो नए नए आए होंगे उनको क्या लग रहा होगा, सर मेरा तो 100, इधर देखते हैं, मेरा 125 नंबर है मेरी तो जॉब हो जाएगी, या मेरे 130 नंबर है मेरी जॉब हो जाए। नहीं होगा भाई, कड़वी सच्चाई है, लेकिन अभी पी लो, कड़वी दवाई है अभी ले लो। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर
टोटल कर करके देखते हैं कितना कैटेगरी बन सकता है, ठीक है। 15 से 20 नंबर प्लस में मैंने मान लिया कि सब में 18 प्लस करना है, ज़्यादा नहीं, सब में केवल 18 प्लस करना है, क्योंकि 15 और 20 के बीच की गैपिंग आप 18 पे लेके जाइए। इसमें जोड़िए 18 नंबर। अगर फाइनल होगा एससी कैटेगरी का, ये कैटेगरी बहुत बढ़ भी सकती है, ठीक है, लेकिन मान के चलिए अगर 18 नंबर यहाँ पे प्लस करिए, ठीक है, सब में यही करिए, ठीक है, सब में आप 18 प्लस करके चेक कर लीजिए कि क्या हो रहा है एक स्कोर, ठीक है। मैंने यही सोचा है कि सबको यही बताया जाएगा, ठीक है, आप सब में प्लस करके चेक करिए कि कितने नंबर बन सकते हैं। तो मैं जहाँ से इमेजिन कर पा रहा हूँ कि अगर मैं 18 प्लस कर रहा हूँ एससी कैटेगरी में, ठीक है, तो मैंने तो यहाँ बता दिया कि आप सेफ हैं डी में, सी वाले डी में सेफ हैं। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि सी का फाइनल मार्क क्या बन रहा है अगर 18 नंबर प्लस कर रहे हैं। मैं डी की काउंटिंग करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने बन रहे हैं, 127। अगर एससी कैटेगरी से आपने डी ग्रेड में 127 नंबर ला रखा है, ठीक है, या 126 नंबर ला रखा है, तो आप एकदम बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपकी जॉब हो जाएगी। ऐसे ही 88 नंबर वाला अगर 18 नंबर प्लस करता है एसटी में, ठीक है, कितने हो जाएंगे इसमें, 12 और 6, 106 नंबर, है ना, क्यों 12 और 6, 106 नंबर अगर लाया हुआ है एसटी कैटेगरी का, जो कि सी ग्रेड नहीं डी ग्रेड की बात कर रहा हूँ, याद रखना, ये सी में मत ऐड कर देना। तो 106 नंबर अगर एसटी कैटेगरी वाले लेके आए हुए हैं, कोई भी स्टूडेंट ऐसा है 106, 105, 110 बन रहा है, फाइनल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि भाई यही होता है हर बार, आप अपने स्कोर से अगर 15 से 20 नंबर पार हैं तो ये फाइनल होगा। पिछली बार आप कहेंगे सर पिछली बार तो ओबीसी का सर 96 था डी में और बढ़ा के 130 कर दिया, आप सोच सकते हैं भाई कि 34 नंबर प्लस, तो बुलाया भी तो था, देख नहीं रहे, 96 पे बुलाएगा तो भीड़ तो ख़त्म करनी है ना, भीड़ को बुलाया था तो भीड़ को ख़त्म भी तो करनी है, ठीक है। अगला देखो, 125 नंबर अगर ओबीसी कैटेगरी का कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है और अपने 18 नंबर प्लस कर रहा है, मतलब कि अगर वो 142 या 43 या 44 तक है भाई, ठीक है, मतलब 145 तक इन है, 142 से लेके 145 तक है उसी बीच में, तो बेहद चांसेस हैं कि उसके होंगे ही होंगे, ठीक है। मतलब अगर आपने 142 ला रखा है तो आप एकदम सेफ जोन में हैं, बिल्कुल आपका होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम EWS की बात करें, 18 नंबर अगर हम प्लस करें तो इसमें हो जाएगा 8 और 6, 14, ठीक है, एक बच्चा आएगा 3, 4। अगर ये EWS वाले, ठीक है, अपनी कैटेगरी में, मतलब डी वाली कैटेगरी में लगभग 144 नंबर तक जाते हैं, 143 तक जाते हैं, 145 तक जाते हैं और हैं, ठीक है, फाइनल मार्क अगर यहाँ तक बने या आपका बन रहा है तो, ठीक है, और बन रहा है तो की बात कर रहा हूँ, तो आप मानिए कि आप एकदम सेफ जोन में हैं, आपको कोई इधर उधर नहीं कर सकता है। यूआर कैटेगरी में भी ऐसे, अगर आपने 148 या 149 या 150 तक स्कोर कर रखा है यूआर कैटेगरी को, तो वो एकदम बिल्कुल सेफ जोन में, अगर उनका अभी 150 नंबर बन रहा है, ठीक है, आएगा एक दो दिनों में स्कोर कार्ड शो करेगा, अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो एकदम कांग्रेचुलेशंस आपको कि आपके हो जाएंगे। आगे पीछे एक दो नंबर हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं जो मैंने बोला है वही सही होगा, ठीक है, लेकिन एक दो नंबर आगे पीछे का चांसेस है। अब ये नहीं कि कोई बच्चा ऐसा हो जो 142 नंबर लेके आया हुआ है, मतलब ओबीसी कैटेगरी से, और मैंने कहा 142 से नहीं 143 से बनेगा तो एकदम डिप्रेस हो, बिल्कुल भी नहीं, कोई ब्रह्मा की लकीर थोड़ो ना कि जो बोल दिया गया वही होगा, दो नंबर एक नंबर आगे पीछे होता रहता है। लेकिन अब कहो, अब तुम ये कहो कि सर मेरा तो 135 नंबर है, क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा भाई, सीधी सी बात, नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा सर अगर नहीं हो पाएगा तब क्या करें, तो फिर मैं आपसे कहूँगा आप इसकी तैयारी तो चलती रहनी चाहिए आपकी, कि हमको स्किल टेस्ट देना ही देना है, लेकिन एसएससी स्टेनो 2024 आपके सामने है, ठीक है, 2024 आपके सामने, जो नंबर आपके कम पड़ रहे हैं और आपको लगता है कि एक्चुअल में नंबर कम पड़ जाएंगे, तो अगर आप पूरा डेडिकेशन उसी तरफ दे रहे हैं तो आप बेवकूफ़ी करने जा रहे हैं। आपका भरपूर डेडिकेशन तो रहना चाहिए आपके स्किल टेस्ट पे, लेकिन भाई रिटन के एग्ज़ाम पे फोकस करना, ठीक है, 2024 के एग्ज़ाम के तरफ फोकस आप कर देना, ठीक है, अभी से तैयारी करना है।
रही बात ये कट ऑफ, कैसा लगा आपको क्लास का ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। कोई भी निराश नहीं होगा, दो चार नंबर आगे पीछे होगा लेकिन 10-10 नंबर आगे पीछे नहीं होंगे। दूसरी बात, इस चैनल पे आपको डिक्टेशन प्रोवाइड हो रहा है। अगर आप डी ग्रेड से, मतलब अभी तो 80 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन बोले जा रहे हैं, ज़रूर आप उसको ज्वाइन करके लिखा करिए। साथ ही साथ अगर आप रिटर्न एग्ज़ाम में लगना चाहते हैं, ठीक है, SSC स्टेनो 2024 को एकदम बढ़िया से क्रैक करना चाहते हैं, फोड़ना चाहते हैं, लाना चाहते हैं 150 प्लस या और भी जितना भी आपने टारगेट कर रखा है, तो आपके साथ मैं लग के ऐप पर आप जाएंगे। ऐप है आपका ट्यूशन घर ऑफिशियल, ठीक है। आप इस ऐप को इंस्टॉल करिएगा और आप इस ऐप पर जाके देख सकते हैं कोर्सेस क्या क्या हैं। साथ ही साथ आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ पर मैं एक नंबर लिख देता हूँ, और कोर्सेज के बारे में भरपूर इन्फॉर्मेशन, आप अपने स्किल टेस्ट को लेके भी जानकारी, क्या छोटी बड़ी गलतियां, पहली बार बिगनर जब कोई स्किल टेस्ट देने जाता है उसके मन में क्या क्या डर रहता है, उन सब चीज़ों को लेके आप मुझसे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके डिस्कस कर सकते हैं 9628740733, ठीक है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करके अपनी हर समस्या, जानकारी, जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है, नहीं है, रिटर्न एग्ज़ाम कैसा है, सब कुछ, स्किल कैसे होता है, एकदम सब कुछ आप बेसिक चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी निराश नहीं होगा, अपने काम पे लगे रहिएगा, मेहनत एक दिन ज़रूर आपकी रंग लाएगी। टेक केयर, जय हिंद।